शो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है आपके लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फेस टू फेस वाली वीडियो। तो भाई, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देना, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। आज मैं आपको भाई ऐसी चीज बताने वाला हूँ ना जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थंबनेल पे अपनी फोटो कैसे लगाएं। जैसे भाई मैंने लगा रखी है, आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा दोस्तों वीडियो बनाने से पहले, उसमें मैंने ऐसे करके एक फ़ोटो लगाया हुआ है। अगर आपको भी ऐसे थंबनेल लगाना है, अट्रैक्टिव सा थंबनेल लगाना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में उस थंबनेल का साइज़ भी बताऊंगा भाई, अच्छा साइज कहाँ से आता है, और ये भी बताऊंगा कि उसको बनाना कैसे है और अट्रैक्टिव कैसे दिखाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, देखते रहिए टैक्टिक्स। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस साथ में जो ये रहा सब्सक्राइब वाला बटन इसको दबा दीजिएगा, और ये रहा लाइक वाला बटन, इस लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटे का निशान आता है उसको भी दबा दीजिएगा, ये रहा सब्सक्राइब, ये रहा घंटे का, और ये रहा लाइक का, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई थंबनेल पे अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, एक तो ये वाली एप्लीकेशन चाहिए होगी आपको, इसका नाम है लोगो पिट प्लस। अगर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ भाई ये कैसे चलती है। अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या बनाना है भाई, YouTube थंबनेल। तो YouTube थंबनेल पे आप क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल बेस्ट साइज है दोस्तों, इससे बढ़िया वाला साइज आपको नहीं मिलेगा। YouTube थंबनेल पे क्लिक करते ही सो दोस्तों, आपने YouTube थंबनेल का साइज ले लिया है, अब आपको बैक आ जाना है। बैक के बाद आपको एक और एप्लीकेशन की नीड होगी, जिसका नाम है पिक्सआर्ट। दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि भाई मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है, मुझे इससे कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। तो आपको इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट इसका नाम है, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है ये। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये प्लस के आइकन पे, ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्लस के निशान पे क्लिक करते ही भाई ये देख लीजिए आप, जैसा कि ये मैंने थंबनेल लगाया हुआ है भाई, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई आप अपना थंबनेल कैसे बनाओगे। सो सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ोटो खींच लेनी होगी, जैसे कि मैंने ये वाली खींची थी, इसके साइड का जो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये फ़ोटो कुछ ऐसी थी। ऐसी फ़ोटो से ध्यान से देखिएगा, ऐसी फ़ोटो से मैंने ये फ़ोटो ऐसी बना दी। तो अब आपको ऐसी फ़ोटो कैसी बनानी है, तो चलते हैं उसी फ़ोटो पे। भाई मैं यहाँ पे आ गया, अब आपको इसे पिक्सआर्ट में एडिट कर लेना है। पिक्सआर्ट ओपन करता हूँ मैं, अब आपको ये वाली फ़ोटो एडिट कर लेनी है दोस्तों, आपके कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। फ्री क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको ये ब्रश का निशान दिख जाएगा। अब आपको जहाँ जहाँ पे आपकी फ़ोटो है ना, वहीं पे अपना ब्रश घुमा देना है दोस्तों। आप इस काम को जितना क्लियरिटी से करेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा भाई। इसमें टाइम तो लगता है, कम से कम 10 मिनट लगती है इसमें अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। मैंने ये कर लिया, अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये इरेज का बटन, इस इरेज का साइन, इस पर क्लिक कर देना है। इरेज पे आपको जूम कर करके ऐसे ये लाल वाला एरिया जो सिर्फ अपनी बॉडी रखनी है, मतलब जो भी आपको दिखाना है, ये ऐसे ऐसे काटना है आपको। मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, ये ऐसे काटना है। मैं अभी जल्दी में करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ये अच्छे से करना है, तभी आपका थंबनेल अट्रैक्टिव लगेगा।
जैसे कि मैंने बनाया हुआ है भाई, उसमें कम से कम 10 मिनट लगी थी मुझको अच्छे से बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा थंबनेल बनाना है तो प्लीज़ अपने 10 मिनट बेकार कर दीजिए भाई। ऐसे आपको ऐसे ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको पूरी फ़ोटो क्रॉप कर लेनी है। पूरी फ़ोटो क्रॉप करने के बाद आप खुद कर लेना दोस्तों, ये निशान दिख रहा है ना एरो का राइट अपर कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा प्रीव्यू ये दिखाएगा, बट अभी मैंने पूरा वाला क्रॉप नहीं किया इसलिए एक पूरा क्रॉप नहीं हो रहा है। आप अपना पूरा ही क्रॉप कर लेना। अब आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में क्लिक करना है और आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपने लोगोपिट प्लस ऐप के पे आना है। ये आपने साइज चूज़ किया हुआ था, अब आपको यहाँ पे कलर है इस पर क्लिक कीजिए। भाई मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने भाई ये वाला कलर ले लिया। अब आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको इतना तो आता ही होगा, इससे आपको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ए प्लस पे क्लिक करना है। ए प्लस पे नहीं दोस्तों, पहले आपको अपनी फ़ोटो ले लेनी होगी। यहाँ पे लिखा है ना ऐड पिक्चर, इस पर क्लिक कर देना है। फिर गैलरी, अब आपको अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे भाई मेरी ये वाली पिक्चर थी, ये वाली, ये पिक्चर कुछ ऐसी थी दोस्तों। तो मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको लगा लिया। अब आपको ये राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इसकी 3D-ness बढ़ाना चाहते हैं तो 3D बढ़ा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ये। इससे ज़्यादा अगर आपको बढ़ानी है तो प्रीमियम वर्जन आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको राइट का ऑप्शन क्लिक करना है। फिर राइट, अब आपको इसकी आउटलाइन ही बनानी है ना, जैसे मैं ब्लैक है, मैं आपको वाइट करके दिखाऊंगा भाई कैसे वाइट होती है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में लगाई हुई है भाई। ऐसी इससे आपका ज़्यादा या फिर बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी रखूँगा दोस्तों, ये इतनी आप अपने हिसाब से रख लेना दोस्तों। अब आपको राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। राइट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको एक बार और राइट का ऑप्शन क्लिक करना है। अब आपको ए प्लस के ऑप्शन पे आ जाना है। ए प्लस के ऑप्शन पे आपको दिखेगा एड टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक है वो लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट्सएप, जो भी आपका टॉपिक है आप उसको लिख दीजिए व्हाट्सएप में। और आपको एक और हिंट दे दूँगा दोस्तों, ये मैं अपनी अगली वीडियो का थंबनेल इसी वीडियो में बना रहा हूँ। टाइम का यूटिलाइजेशन देखो दोस्तों। अब मैं इसमें लिख देता हूँ भाई जो मेरा टॉपिक है, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप में फुल DP कैसे लगाएं। अब आपको इसे एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे कॉर्नर की साइड में। अब इसका फॉन्ट देख लीजिएगा आप दोस्तों, ये बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड या ज़्यादातर अच्छा लगता है। अब आपको इसका एक फॉन्ट चूज़ कर लेना होगा, एक फॉन्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है ओर बिटरन है शायद, ऐसे ही कुछ है, ओर बिटरन, यस ये वाला भाई, ये वाला थंबनेल अच्छा लगता है उसको, बस ऐसे ही है। इसमें आपको अब बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मैं इतना रखूँगा। अब आपको राइट को क्लिक करना है। इस टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं कलर, भाई मैं कर लेता हूँ, इसका चलो भाई रेड कर लेते हैं, चलो रेड कर लिया। अब राइट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, इसे अगर ऐसे घुमाना है तो ऐसे कीजिए, मैं थोड़ा ऐसे रखूँगा 3D-ness लाने के लिए। अब आपको राइट का ऑप्शन क्लिक करना है। राइट की अगर आउटलाइन चाहिए ऐसे कर दीजिए, राइट आउटलाइन किस कलर की चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आउटलाइन भाई मुझे चाहिए ब्लू कलर की, तो मैंने ब्लू कलर की ले ली। तो भाई राइट को ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, भाई अच्छा नहीं लगा कलर, कुछ और लेते हैं भाई, मैं ले लेता हूँ येलो। राइट को ऑप्शन क्लिक कीजिए। अब आपको एक और टेक्स्ट लिखना होगा, जिसमें जितने भी आप अच्छा बनाना चाहते हैं भाई, मैं यहाँ पे रख लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ इस तरह,
नेट खोलना, आप कुछ ऐसा नहीं करना। अगर आपके फ़ोन में हिंदी भी टाइपिंग होती है तो हिंदी से आप कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में भी होती तो है पर शायद अभी मिल नहीं पा रही मुझको। आपको यहाँ से हिंदी टाइपिंग कॉपी कर लेनी है, कहीं से भी कर लेते या फिर आप लिख भी सकते हैं। मैंने कॉपी कर ली, अब आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दी, ऐड के ऑप्शन में क्लिक कर दिया मैंने। अब आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, इसका फ़ॉन्ट भी अच्छा सा लेना है दोस्तों। आपको इसे बोल्ड कर दीजिए थोड़ा सा, इटैलिक भी अच्छा ही लगता है दोस्तों। राइट क्वेश्चन क्लिक कीजिए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे कीजिए। राइट क्वेश्चन क्लिक कीजिए, अब इसका कलर चूज़ कर लीजिए। मैंने ये ऐसे वाला कलर ले लिया। राइट क्वेश्चन, थोड़ा 3D-ness इफ़ेक्ट दीजिए इसको, 3D-ness बढ़ा दीजिए। राइट क्वेश्चन क्लिक कीजिए, फिर राइट। अब इसके आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन भाई मैं रख लेता हूँ, मैं इसी कलर की आउटलाइन रख देता हूँ भाई। राइट क्वेश्चन क्लिक कीजिए, फिर राइट। अब आपको एक एरो चाहिए भाई, एरो कहाँ से लाए, ऐड न्यू लोगो पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल के ऑप्शन क्लिक करना है। ऑल के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको एक एरो चूज़ कर लेनी है। अगर आपके एरो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चूज़ नहीं करेंगे, हम बैग आ जाते हैं, सिंपली हम बैग आ जाएंगे। और फिर आपको इसको सेव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना होगा। मैं इसका आउटलाइन थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। ये रख ली मैंने आउटलाइन भाई। राइट क्वेश्चन क्लिक कीजिए, और इसे सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड JPG कर सकते हैं, आप PNG भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।